सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। जमीनी विवाद में मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए एक बुजुर्ग को परिजन अस्पताल की जगह कलेक्ट्रेट कार्यालय लेकर पहुंच गए। दरअसल परिजनों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि मारपीट करने वाले आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात से नाराज परिजन आज घायल बुजुर्ग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। राम स्वरूप पुत्र प्यारेलाल लहरवा निवासी गोलाखेड़ी थाना धरनाबदा ने बताया कि चचेरे भाइयों ने मिलकर उसके पिता प्यारेलाल के साथ लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से मारपीट की। पेट पसलियों सहित कई जगह पर गंभीर चोट आई है। पहले सरकारी फिर निजी अस्पताल में उपचार कराया, लगभग 1,00,000 रूपये खर्च हो गए। उधर मारपीट की घटना की धरनाबदा थाने में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। राम स्वरूप ने आरोप लगाया कि उसके चचेरे भाई पुलिस ने पैसे भरकर खुलेआम घूम रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। राम स्वरूप ने भगवान लाल, मनोज, हरिओम और बाबूलाल आदि पर मारपीट करने के आरोप लगाए। कार्रवाई नहीं होने से नाराज राम स्वरूप अपने घायल बुजुर्ग पिता सहित परिवार की महिलाओं और बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उसके मुताबिक दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके चलते पूरा विवाद हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रामचरण है। कहाँ से आए हो? गोलाखेड़ी से आए। अच्छा, क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? घटना ये है कि बाबूलाल के लड़के हैं ना तीन, उन्होंने रात के मारा इसको। पापा ही उनको, मैं तो ड्यूटी गया था चूना भट्टी, रात को 12 बजे लौटा था। तो इनको लेके गया मैं अस्पताल में सरकारी में, माँ से थोड़ा बहुत इलाज कर करूँ को भगा दिया, फिर से जाऊंगा भर्ती किया, वहां से मेरे 2,00,000 रुपया ऊपर लग गया। सुनवाई कोई नहीं है। किस बात पे झगड़ा लड़ाई हुई आपकी? जमीन के पीछे हुआ है वो, तो रात के पापा जी को मारा जमीन के बदतमीज में। पहले से झगड़ा चल रहा था थोड़ा बहुत, इनकी पड़ रही थी जो उसको मारा। थाने आने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत की, सुनवाई नहीं है कोई, उसने पैसा भर दिया। घटना कब की है? घटना हुआ इसको 15 रोज होगा, 20-22 दिन से ऊपर जा रहा। किस चीज से मारा था? कुल्हाड़ी से और लट्टन से मारा था। तलवार से? तलवार। क्या नाम है इनका? तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई की चाहते हैं इनकी सुनवाई हो। उन्हें तो खुलेआम घूम रहे हैं, पैसे भर गए नहीं, और उनका ऐसे बाद में सभी मार देंगे। वो आपके कौन लगते हैं? कौन लगते हैं वो आपके? हमारे चाचा के लड़के हैं। कितनी जमीन का मामला है? ज्यादा जमीन का मामला नहीं है, 4-5 बीघा का मामला है बस। 4-5 भाई है जी, सबने हिस्सा कर दिया और सबको हमने दे दिया। जब भी हमसे लड़ रहे हैं। कब से चल रहा है झगड़ा? ये झगड़ा चल रहा है कम से कम 2-3 साल से चल रहा था ये, मतलब है धीरे धीरे, मतलब इनने बड़ा कर दिया। क्या कहते हैं आपसे? वो ये कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये है बात। क्या नाम है इनका? इनका प्यारे लाल है। पूरा नाम? प्यारा अहरवा। गुना जिले में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना का शुभारंभ किया गया। खाद्य विभाग गुना के जिलाधिकारी तुलेश्वर कुरे ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत गुना जिले के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी पर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से योजना में चयनित युवाओं द्वारा जिले की शासकीय राशन दुकानों पर राशन की सप्लाई की जाएगी। वाहन 5% की राशि पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, बाकी का खर्चा सरकार वहन करेगी। गुना जिले के सभी विकासखंडों के लिए अन्य दूध योजना के तहत 17 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। योजना के शुभारंभ पर 24 अगस्त गुरुवार को 5 वाहन उपलब्ध कराकर योजना का गुना में शुभारंभ किया गया। इस दौरान गुना विधायक भी मौजूद रहे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, ये योजना जो अन्नपूर्णा योजना चालू की है बहुत अच्छी की है, उनको जो मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो जिनको ये गाड़ियाँ जो है ना एक अनुदान जैसे ये है, माने कुछ राशि जो है ना दी गई है और फ्री अन्न दी है, ये जो है ना ये उनको बधाई देता हूँ और पूर्ण रूप से जो है ना निष्ठा से काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
माय जो मुख्यमंत्री युवा अंधुत योजना है, एक्चुअली बेरोजगार जो युवक है उनको रोजगार देने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष प्रयास रहा है। गुना जिले में 17 हमारे ऐसे रोजगार देने के प्रयास किए गए हैं सभी सेक्टरों में। 17 लोगों में गाड़ी उपलब्ध कराना है, उसमें पूरा अनुदान पूरा भोपाल स्तर पर मध्य प्रदेश शासन उठा रही है। सिर्फ इसमें जो प्रदाय करता है, जिसके जो हम वाहन प्रदाय कर रहे हैं, उसको सिर्फ 5% मार्जिन मनी जमा करना है, बाकी पूरा जो उसका खर्चा है वो प्रदेश सरकार उठा रही है इसके संबंध में, गाड़ी के संबंध में। और इसमें एक गाड़ी की लागत कम से 24 लाख के आसपास डिसाइड है इसके अंदर। तो ये सारी गाड़ियों को शुभारम्भ किया जा रहा है इसके तहत, ताकि जो हमारा पहले परिवहन करता थे अब इसको ख़त्म करके इनको नए परिवहन करता बनाया गया है, ताकि ये अच्छे ढंग से काम कर सके। तो ये इस प्रकार एक बेरोजगार युवकों को लाभ देने का बहुत अच्छा वो योजना लागू की गई। कितनी गाड़ी उपलब्ध कराई है अभी जिले में? 17 गाड़ी उपलब्ध कराना है। अभी हमारे पास 5 आज हमने उपलब्ध करा दिए, 7 गाड़ी हम अभी नेक्स्ट अगले सप्ताह में उपलब्ध करा देंगे। 5 पूरी से कार्रवाई प्रोसेस है। गुना को जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए ग्रामीण बाल्मीकि समाज ने अपनी मांगों को उठाते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि आज भी बाल्मीकि समाज को आजादी नहीं मिली है। उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है और जुल्म किया जाता है। कई मांगों को उठाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षण की मांग उठाते हुए कहा प्रत्येक आरक्षण बाल्मीकि समाज को दिया जाए, ग्राम पंचायत और थानों में काम करने वाले बाल्मीकि समाज के लोगों को कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन दिया जाए, रोजगार के लिए बिना किसी शर्त के लोन दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत बाल्मीकि समाज के लोगों को आवास दिया जाए, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाए, पंचायत में सफाई कर्मचारी के रूप में बाल्मीकि समाज के लोग जल्द से जल्द भर्ती किए जाएं, सहित कई मांगों को उठाया गया है। आज ग्रामीण बाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के मुख्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर गुना जिले के ग्रामीण को ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय। इसमें हमारी मांग है हमारे बाल्मीकि समाज अभी तक जो सही तरीके से अधिकार से वंचित है, उसका उनका अधिकार अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए बाल्मीकि समाज के लिए प्रत्येक आरक्षण मांग पत्र पूरे मत है 9 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। और हम माननीय मध्य प्रदेश के मुख्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पंचायत मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से आप ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बाल्मीकि समाज के व्यक्तियों पर उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि 500-700 व्यक्ति से ग्राम पंचायत में सफाई करते हैं, चाहे स्कूलों चाहे पंचायतों में 500-700 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 500-700 रुपये से ना ही उनके घर चलता है, ना ही उनके बच्चों का पालन पोषण होता है, ना ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि हमारी जो मांगे हैं 9 मांगे, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी कलेक्टर है 5,000 कर दी जाए। नाम क्या आपका? करण माल। मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा सरकार चल रही है, इसी सिलसिले में भाजपा ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। सर्किट हाउस में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और विधायक गोपीलाल जाटव ने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, बाद में बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 में बेमिसाल समृद्ध खुशहाल और विकसित राज्य बनाया। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि किलोमीटर बंटा ढार और कमलनाथ इस बात का जवाब दे कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्यप्रदेश का काफिला लुटा, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। कांग्रेस इससे मुकर नहीं सकती। भाजपा ने 20 साल में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया, तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। भाजपा जो कहती है वे करके दिखाती है। भाजपा ने कई नई परंपरा शुरू करी, जिसके अंतर्गत हर सरकार अपने कार्यकाल के लिए कामों को लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है, अब कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन, नखराली सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय आदि भी मौजूद रहे। इससे पहले हम भी पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, ना तो रोजगार था, ना हमारे पास पढ़ने के लिए लाइट थी, लाइटर भी पढ़ते थे, यदि गैस का सिलेंडर भी कनेक्शन को मिलता था तो 6-6 महीने 6-6 साल 5-5 साल लग जाते थे। फोन का कनेक्शन भी बड़े नंबर से आता था, जिसके लैंडलाइन फोन होता था बहुत वैसा व्यक्ति माना जाता कि भैया उसका लैंडलाइन फोन। आज उस समय को देख के आज इस समय को देखिए, कुछ आंकड़े में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश में 1956 में प्रदेश के गठन के बाद 2003 से लगातार ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रहीं।
इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया, भंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़ों से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर भंटाधार और कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकार ने प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्यप्रदेश का काफिला लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदाही की एक नई परंपरा शुरू की जिसके अंतर्गत सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देना चाहिए और अगर उसमें हिम्मत है तो 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। मध्यप्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता है। भंटाधार और कमलनाथ की उस सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण सारी योजना बंद कर दी थी और गरीब कल्याण अभियान को अपाहिज बना दिया था। जैसे कि सरकार 15 महीने के समय हमने देखा, आप सबके सामने था। NFL विजयपुर गुना के 18 सदस्यों की टीम ने 50वां गोल्डन जुबली स्थापना दिवस सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई CLI ट्रेनिंग के दौरान 50वां स्थापना दिवस पर केक काट कर मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर टीम की ओर से मुन्नालाल अहिरवार ने स्थापना दिवस के अवसर पर शुभ संदेश दिया और कहा कि NFL से ही हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, ये निरंतर चले इसके लिए हमें पूरी जिम्मेदारी से कार्य करना है। इस अवसर पर CLI डायरेक्टर डॉक्टर RN मीना, असिस्टेंट डायरेक्टर नारायण और डिप्टी डायरेक्टर दत्ता चौधरी, डायरेक्टर डॉक्टर SV मिश्रा एवं NFL यूनियन प्रतिनिधि के रूप में पवन देव आर्य, मुन्ना लाल अहिरवार, बेदराम मीना, अमित टेम्पो, KL मोंगिया, जोगेश्वर राव, शिवम दिनेश, चंबल ग्रुप से सोमेंद्र सोलंकी, क्रिलोश शंकर ग्रुप से डॉक्टर चेतन पवार सहित सभी साथियों ने खुशी मनाकर स्थापना दिवस मनाया। गुना शहर के संजय स्टेडियम में 24 अगस्त गुरुवार को विधायक कप प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने शुभारंभ किया। इस दौरान अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग के कोच दुर्गेश सक्सेना ने बताया गुना विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक कप का आयोजन किया गया जिसमें गुना विधानसभा क्षेत्र के कबड्डी से जुड़े बालक और बालिका वर्ग की करीबन 2 दर्जन टीमों द्वारा भाग लिया गया। विधायक कप में केवल एक ही खेल कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही जिसमें गुना विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ियों और टीमों को समापन का सम्मानित किया गया। ये खेल चल रहा है, आज गुना विधानसभा में विधायक कप गुना कराया जा रहा है। माननीय विधायक जी आदरणीय गोपीलाल जाटव साहब द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन किया गया। सुबह 11:30 बजे लगभग अध्यक्ष जी की गुना जिला के जो BJP के अध्यक्ष हैं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेन ढाकले साहब ये सभी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया और ये बालक और बालिकाओं के बीच में कबड्डी खेल का आयोजन किया गया है। और कौन कौन से खेल होंगे इसमें? विधायक कप में एक ही खेल है, माननीय विधायक जी की अनुशंसा पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हमने कबड्डी रखा है और लगभग इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की मिला के 20 से 22 टीमें भाग ले रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश सक्सेना, डिस्ट्रिक्ट कोच खेल और युवा कल्याण। मध्य प्रदेश के सैन समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने गुना के सिटी पॉइंट में 4 सूत्री मांगों को लेकर शंख मजीरा बचाओ शिवराज सरकार जगाओ विरोध प्रदर्शन किया। मांगे न माने जाने पर 15 सितंबर को भोपाल में होगा जंगी विरोध प्रदर्शन। सैन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सैन परमात्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सैन समाज के लिए की गई घोषणाएं पूरी न होने से सैन समाज आहत है। सरकार के खिलाफ शंख मंजीरा बचाओ सरकार जगाओ के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रही है। 23 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित अशासकीय संकल्प सैन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की किया गया था।
उसको शीघ्र लागू किया गया। इंदौर के बैडमिंटन हॉल में 19 फरवरी 2011 को घोषणाओं को लागू किया गया। 19 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की शिल्पी पंचायत में की गई घोषणा को पूर्णतः लागू किया जाए। 12 दिसंबर 2015 को रविंद्र भवन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए आंदोलन का शंखनाद किया जा रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की थी उनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, इसलिए सरकार को जगाने के लिए ये संघ घड़ियाल बजाओ और सरकार जगाओ आंदोलन रखा गया है, जिसकी कड़ी में हम पहले जिलों में आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद 15 सितंबर को हमारा ये आंदोलन भोपाल में व्यापक करवाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी और क्या घोषणा सरकार ने की गई? हमारी मांग ये है कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 23 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव पारित है कि सेल समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उन्होंने घोषणा की कि नगर पालिका नगर निगम आईडीए के तहत जो भी दुकानें बनेंगी सेल समाज को पृथक आरक्षण दिया जाएगा, प्रत्येक जिले में सेल समाज के छात्रावास होंगे, सेल स्मारक बनेगा, लेकिन रविदास जी का स्मारक 1 करोड़ 10 करोड़ की लागत से बन रहा है, हमारे लिए अभी तक उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हम 15 सितंबर को। सरकार द्वारा जितनी भी आपने घोषणाएं बताई इनमें से एक भी पूरी नहीं की गई? सिर्फ एक पूरी की थी, उन्होंने हमारे गुरु महाराज हैं जोधपुर के अटलन जी महाराज, उनको राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था, इसके अलावा कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। आपके ये संघ झालर बजाने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या कदम? पिछली बार निपटा दिए थे, इस बार भी निपटा देंगे। भैंस के 44 बछड़ों से भरा ट्रक पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने बीती रात एक ट्रक को मुखबिर की सूचना के बाद पकड़ा, जिसमें भैंस के 44 बछड़ों को कूड़ता पूर्वक भरकर ले जाया जा रहा है। मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोन की तरफ से एक ट्रक में भैंस के बछड़ों को भरकर काटने के लिए ले जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली। इस पर रात में ही पुलिस ने भुल्लनपुरा के पास पहुंचकर आरोन की तरफ से आ रहे ट्रक की जाँच की, जिसमें बछड़े मिलने पर ट्रक में सवार लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही भैंस के बछड़ों को गौशाला में छुड़वाया गया। इधर खबर लगते ही गौ सेवकों के भी मौके पर पहुंचने की सूचना है। हालांकि मामले में पुलिस कार्यवाही की है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। अभी तक नहीं मिली गत वर्ष की छात्रवृत्ति व आवास राशि। डीएसओ के बैनर तले आज अपराह्न में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देते हुए सभी पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व आवास राशि का अविलंब भुगतान करने के साथ ही शासकीय मॉडल कॉलेज के भवन निर्माण की जांच कराए जाने की मांग किए जाने का समाचार है। इस संदर्भ में दिए गए ज्ञापन में संगठन की ओर से नए सत्र की शुरुआत होने के बाद भी गत शिक्षा सत्र की छात्रवृत्ति व आवास योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसके अविलंब भुगतान की मांग की गई है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को अपने रोजाना के खर्चों के साथ साथ परीक्षा आवेदन आदि भरने तक के लिए आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ती है। इसी पर से ज्ञापन के माध्यम से उक्त राशि का भुगतान अविलंब कराने की मांग की गई है। यही नहीं, संगठन ने जिला मुख्यालय पर बन रहे शासकीय मॉडल कॉलेज के निर्माण की भी जाँच कराए जाने की भी मांग की है। इसके पूर्व डीएसओ की रैली नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रशासन को लेखी ज्ञापन दिया गया। संगठन एआईडीएसओ द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि पिछला जो सत्र 2022-23 था पूरा सत्र निकल गया है, लेकिन छात्रों के अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। कई बार छात्र यहाँ पर मांग कर चुके हैं कि हमें छात्रवृत्ति की जरूरत है, नहीं तो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, और कई सारे छात्र पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ में अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में 33% तक की फीस वृद्धि की गई है। जो सरकार ईयू स्कूटी योजना दे रही है उसका पैसा कमाने के लिए छात्रों से फीस बढ़ाकर उन्होंने पैसा लिए है, तो उस फीस को वापस किया जाए। साथ में ही हमारे अभी गुना शहर में एक मॉडल कॉलेज खोला गया है, वो मॉडल कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही वो गिरने की कगार पर है। उसकी दीवार में दरारें आ गई हैं, ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो करोड़ों रुपए से वो भवन तैयार हुआ था, वो भी आज फिर से गिरने के लिए तैयार है, उसका सुविधाएं मिले अवाम में भी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उसकी जांच कराई जाए। साथ में हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि जो सरकार बोल रही है कि हम बच्चों के मामा हैं, लेकिन आज पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बर्बाद की जा रही है।
पिछले 5 साल में सरकार 30,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, सरकारी स्कूलों को, और अभी नई शिक्षा नीति लाकर उसने पूरी शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें अभी तक सिलेबस नहीं मिला, 2 साल हो गए हैं। स्कूलों में भी वो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई से वंचित होने की स्थिति बनेगी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो तमाम जो समस्याएं हैं कि शिक्षक नहीं है। अभी एक आंकड़ा आया है, 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है, वहां पर शिक्षक को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंची है। हजारों स्कूल ऐसे हैं पानी का, पीने का पानी नहीं है। तो मूलभूत जो जरूरत है उनको पूरा करना चाहिए था सरकार को, लेकिन वो ना करके सरकार पूरी तरीके से चुनावी राजनीति कर रही है। छात्रों की जो छात्रवृत्ति का पैसा उसको लाडली बहना में लगाया जा रहा है और छात्रों की छात्रवृत्ति कटौती की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य CIDS। स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर महावीरपुरा में विद्यालय के भैया बहनों को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरोमणि दुबे, प्रांतीय सचिव महेंद्र सिंह रघुवंशी, विद्यालय समिति प्रमुख प्राचार्य सुभाष तांगी, प्राचार्य श्रीमती श्वेता पांडे, समस्त आचार्य दीदी सहित भैया बहन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि शिरोमणि दुबे ने चंद्रमा के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने पर भैया बहनों को बताया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारा भारत चांद पर पहुंचने वाला 4th देश है। तकनीकी में हम विश्व के विकसित देशों के साथ खड़े हैं। भविष्य में भी निरंतर अनुसंधान करते हुए हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने भैया बहनों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का जोर दिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीरपुरा गुना में सुभाष दांगी प्राचार्य, कल भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के विषय पर आज विद्यालय के भैया बहनों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। इस कार्यक्रम में हमारे प्रादेशिक सचिव श्री शिरोमणि जी दुबे एवं सह प्रांतीय सचिव श्री महेंद्र सिंह जी रघुवंशी एवं विद्यालय के व्यवस्थापक श्री चंद्रशेखर जी कुशवा, विद्यालय की प्रधानाचार्य दीदी श्रीमती श्वेता पांडे उपस्थित रही। इस अभियान में विद्या भारती के 4 भैया बहन इस सफलता का श्रेय उन भैया बहनों को भी जो इस अभियान में लगे रहे हैं उनको भी जाता है। धन्यवाद। भाजपा नेत्री प्रियंका पैंची के नेतृत्व में लॉयंस क्लब गुना द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र उकावद में विशाल निशुल्क नेत्र शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन रखा गया। इस शिविर में लगभग 150 से 200 लोग लाभान्वित हुए। बता दें कि नेत्र चिकित्सा शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा उपस्थित 150 से 200 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की गई। साथ ही मोतियाबिंद के रोग से ग्रसित 15 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। चयनित रोगियों के ऑपरेशन हेतु उचित उपचार के लिए गुना भेजा गया। शिविर में आए हुए लोगों को आंखों के ड्रॉप व दवाइयां भी वितरण की गई। इस सहयोग के लिए भाजपा नेत्री प्रियंका पैंची ने समस्त लॉयंस क्लब गुना को सफल आयोजन की बधाई दी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला गुना वक्फ कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाकिर बाबरी को। जिले भर से लोगों ने दी मुबारकबाद। जिला गुना में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला कमेटी के अध्यक्ष के पद पर जाकिर बाबरी को नियुक्त किया, जिसे लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी की लहर है। जिले भर से जाकिर बाबरी को मुबारकबाद भेजी जा रही है। इसी क्रम में जाकिर बाबरी ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल का, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिकरवाल सहित तमाम लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। चांचौड़ा में दिव्यांगों को वितरित किए गए निःशुल्क सहायक उपकरण कलेक्टर तरुण राठी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की ADIP योजना के अंतर्गत चयनित दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु 24 अगस्त को कम्युनिटी हॉल चांचौड़ा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 अस्थि बाधित दिव्यांगों को मोटराइज्ड बैटरी चलित ट्राईसाइकिल, 36 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, 6 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 9 दिव्यांगों को श्रवण यंत्र एवं 4 दिव्यांगों को कैलीपर्स का वितरण किया गया। विधायक चांचौड़ा लक्ष्मण सिंह एवं जनपद उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पेंद्र व्यास एवं जनपद पंचायत तथा नगर स्टाफ उपस्थित रहा।
प्रदेश के 8,34,000 से अधिक स्वरोजगारियों को 5,013 करोड़ की राशि के वितरित किए स्वीकृति पत्र। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम छिंदवाड़ा में संपन्न। जिले के 8,385 हितग्राहियों को 86,65,00,000 रुपए के वितरित किए हित लाभ। जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। सभी स्वरोजगार से संबंधित विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज छिंदवाड़ा में 8,34,330 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के 8,00,000 हितग्राहियों को 5,013,96,00,000 की राशि के ऋण वितरित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई कक्ष में किया गया। इस दौरान विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शिकरवार, रमेश मालवीय एवं सचिन शर्मा, विकास जैन मीडिया प्रभारी सहित महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र NL श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक आजीविका मिशन DP काठान सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं लाभान्वित हितग्राहीगण उपस्थित रहे। सभी स्वरोजगार से संबंधित विभाग पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं। विधायक महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र NL श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्टर तरुण राठी के मार्गदर्शन में आज आयोजित कार्यक्रम दौरान जिले के 7 विभागों की 9 योजनाओं के 8,385 हितग्राहियों को 86,65,00,000 रुपए के हितलाभ वितरित किए। आज NSUI गुना द्वारा PG कॉलेज गुना में चंद्रयान 3 का जश्न मनाया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी हैं। जिसमें NSUI जिला अध्यक्ष फलेशुराज सिसोदिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आकाश रघुवंशी, प्रभारी सचिन जायसवाल, छात्रा प्रमुख महाखान, उपाध्यक्ष साहिल यादव, हर्ष यादव, अभिषेक रघुवंशी एवं समस्त NSUI के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।